हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन तक में। तो फ्रेंड, बिहार बोर्ड की तरफ से अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्रेंड। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर जो भी छात्र मैट्रिक के छात्र हैं या इंटर के छात्र इस बार एग्जाम दिए, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है बिहार बोर्ड ने। अब सभी छात्र पास होंगे। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं थंबनेल में, मूल्यांकन को स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम लागू किया जा रहा था, जिससे सभी छात्र यहाँ पर पास होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको ज़्यादा नंबर आपको दिया जाएगा। तो सभी छात्र देख लो, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका हेडिंग में यहाँ पर दिख जाएगा आपका इंटर मूल्यांकन को स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम, यानी कि फ्रेंड इंटर में जो आपका मूल्यांकन होगा उसका स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम पर लागू होगा। जो आपका एग्ज़ाम में आपका जो इंटर का मूल्यांकन स्टेप वाइज मार्किंग के तहत लिया जाएगा। तो चलिए पूरी खबर को देख लेते हैं। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपका इंटर का मूल्यांकन होगा, आपका कॉपी चेक होगा, अगर आप इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं इंटर में छात्रों को अधिक से अधिक मिले, अंक मिले, इसके लिए बिहार बोर्ड ने मूल्यांकन को पूरी तरह से स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम की व्यवस्था किया है। यानी कि इसमें आपका मूल्यांकन जो होगा स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम के तहत आपका कॉपी चेक किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान सभी परीक्षकों को मार्किंग स्कीम से ही मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सके। यहाँ पर जो शिक्षक त्रुटि रहित मूल्यांकन करेंगे उन्हें बोर्ड पुरस्कृत भी करेगा। यानी कि फ्रेंड बहुत से शिक्षक होते हैं कि ऐसे ही कॉपी चेक कर लेते हैं, जैसे तैसे चेक कर लेते हैं और त्रुटि रहता है। तो यहाँ पर इसके लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने आनंद किशोर ने यहाँ पर बताया कि जो शिक्षक जो सही सही कॉपी का मूल्यांकन करके उन्हें बोर्ड के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर 100% सही मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को 10% अतिरिक्त मानदेय भी दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया है। ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कॉपी मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि फ्रेंड इंटर के बाद यहाँ पर आपका बिहार बोर्ड का भी कॉपी का मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पर मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन का तैयारी शुरू कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिका पर बार कोडिंग का काम पूरा हो गया है। बार कोडिंग के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन केंद्र पर भेजा जा रहा है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन केंद्र बढ़ाया है। मूल्यांकन के बाद डाटा को कंप्यूटर पर रखा जाएगा। उसके बाद 2019 में इसकी संख्या 309 थी, वहीं इस बार 320 के लगभग मूल्यांकन केंद्र रहेंगे। तो यानी कि फिर यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम इंटर के एग्ज़ाम के बाद आपका जो मूल्यांकन सेंटर था उसमें 2019 में 309 ही था, इस बार इसको बढ़ाकर 320 कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द कॉपी को जांच कर सके। उसके बाद इंटर मूल्यांकन को लेकर पटना जिले के 7 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के लिए हर केंद्र पर 6-6 कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया है। यानी कि जो आपका मूल्यांकन केंद्र वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया है, यानी कि 6-6 कंप्यूटर की व्यवस्था किया गया है, ताकि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हो सके। प्रति कंप्यूटर में 2-2 ऑपरेटर रखे गए हैं। मूल्यांकन केंद्र पर 4000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, उसका जो हर दिन मूल्यांकन के बाद अंकों की एंट्री करेंगे। मूल्यांकन में किसी तरह की लापरवाही न, इसके लिए सभी केंद्रों के ब्रजगिरी कमरा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। दंडाधिकारी और पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। केंद्र पर केंद्र निदेशक और स्टैटिक पदाधिकारी केवल ऑफिशियली कार्यों के लिए मोबाइल का उपयोग कर पाएंगे। तो मूल्यांकन केंद्र पर यहाँ पर मोबाइल को भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपका उसमें निदेशक होंगे केंद्र पर और स्टैटिक पदाधिकारी होंगे उनके लिए ये मोबाइल ऑफिशियली कार्यों के लिए उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा कोई भी यहाँ पर जो टीचर होंगे मूल्यांकन केंद्र पर उनका मोबाइल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपका जल्द से जल्द आपका बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर और मैट्रिक के लिए यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंटर के यहाँ पर आपका
शुरू हो चुका है और इसके उसके बाद मैट्रिक के यहाँ पर तैयारी शुरू कर दिया गया मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड हैं शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर बिहार बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।